हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से मेरा कहना है, निवेदन है कि ऐसे अपराधी को फांसी की सज़ा होना चाहिए, नहीं तो सब अपराधियों का मन ऊपर चढ़ रहा है, बार बार हत्या हो रहा है, इस पर कानून कार्रवाई कड़ी से कड़ी सज़ा उनको दिया जाए, इस पर प्रयास किया जाए। सरकार से मेरा यही निवेदन है, कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए अपराधियों को। ऐसा फिर अगर सज़ा मिलता है तो दोबारा ऐसा कोई फिर करने के लिए नहीं चाहेंगे, डरेंगे आदमी कि फांसी की सज़ा होता है, सज़ा नहीं देने पर फिर आदमी का मन बढ़ जाता है, बोलता है प्रशासन जो है पैसा पर घूम जाता है, खरीद लेते हैं। ऐसा उनको मन बढ़ने के लिए मत दीजिए, मेरा तरफ से यही विनती है कि उन लोगों को सज़ा मिलना चाहिए, फांसी की सज़ा होना चाहिए। मैं यही मांग करता हूँ सरकार से, मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री साहब से, उनको सज़ा होना चाहिए फांसी का। गलती से तो किसी को नाम नहीं गया है, जो भी आदमी उस घर के अंदर था, हम जो देखे हैं अपनी आँखों से, उसी को हम केस में दिए हैं, दूसरे को नहीं दिए हैं। गलती से किसी का नाम नहीं पड़ा है, सब देख सुन के काम किए हैं, सब जितना भी आदमी घर का अंदर देखे थे हम छोटू को मारते हुए, उसी आदमी का नाम हम केस में दिए हैं। उसमें दो आदमी का नाम छूट गया था, अरुण यादव और निर्भय यादव का, तो 64 का बयान में दिया गया है और प्रोटेस्ट में दिया गया है, तो उनका भी नाम जो है DSP साहब बोले थे कि हम जोड़ देंगे। हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से मेरा कहना है, निवेदन है कि ऐसे अपराधी को फांसी की सज़ा होना चाहिए, नहीं तो सब अपराधियों का मन ऊपर चढ़ रहा है, बार बार हत्या हो रहा है, इस पर कानून कार्रवाई कड़ी से कड़ी सज़ा उनको दिया जाए, इस पर प्रयास किया जाए। सरकार से मेरा यही निवेदन है, कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए अपराधियों को। ऐसा फिर अगर सज़ा मिलता है तो दोबारा ऐसा कोई फिर करने के लिए नहीं चाहेंगे, डरेंगे आदमी कि फांसी की सज़ा होता है, सज़ा नहीं देने पर फिर आदमी का मन बढ़ जाता है, बोलता है प्रशासन जो है पैसा पर घूम जाता है, खरीद लेते हैं। ऐसा उनको मन बढ़ने के लिए मत दीजिए, मेरा तरफ से यही विनती है कि उन लोगों को सज़ा मिलना चाहिए, फांसी की सज़ा होना चाहिए। मैं यही मांग करता हूँ सरकार से, मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री साहब से, उनको सज़ा होना चाहिए फांसी का। गलती से तो किसी को नाम नहीं गया है, जो भी आदमी उस घर के अंदर था, हम जो देखे हैं अपनी आँखों से, उसी को हम केस में दिए हैं, दूसरे को नहीं दिए हैं। गलती से किसी का नाम नहीं पड़ा है, सब देख सुन के काम किए हैं, सब जितना भी आदमी घर का अंदर देखे थे हम छोटू को मारते हुए, उसी आदमी का नाम हम केस में दिए हैं। उसमें दो आदमी का नाम छूट गया था, अरुण यादव और निर्भय यादव का, तो 64 का बयान में दिया गया है और प्रोटेस्ट में दिया गया है, तो उनका भी नाम जो है DSP साहब बोले थे कि हम जोड़ देंगे।